मैम जाना चाहूँगा जान लेबू का हो। हाँ, तो इस फिल्म का आज मुहूर्त हुआ है। दिनेश जी, अक्षरा जी पर्दे पर आने वाले हैं। लॉकडाउन के बाद एक दर्शक को सरप्राइज मिलने वाला, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो सभी को हाय प्रणाम। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लॉकडाउन के बाद इतनी अच्छी स्टोरी, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ एक पिक्चर आ रही है जान लेबू का। जब नाम ही पिक्चर का ऐसा है तो पिक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है प्रोड्यूसर जो हैं इसके श्रेय जी हैं, वो बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं और वो ऐसे प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं। और डायरेक्टर जो है केडीजे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो जब इनकी जोड़ी के साथ जब कोई पिक्चर आएगी तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही अच्छी होगी, धमाकेदार होगी, कहानी अच्छी होगी, शूटिंग अच्छी होगी। क्योंकि जहाँ पे प्रोड्यूसर अच्छा होता है, डायरेक्टर अच्छा होता है और स्टोरी अच्छी होती है, आर्टिस्ट इतने अच्छे होते हैं इसके। अक्षरा जी हैं, दिनेश जी हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि एक अच्छी पिक्चर हमारी ऑडियंस के सामने आएगी। और मैं बस यही शुभकामनाएं दूंगी पिक्चर को कि ये पिक्चर ऑडियंस को बहुत पसंद आए और उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे, जो मुझे उम्मीद है कि हाँ खरी उतरेगी। क्योंकि जोड़ी सभी की बहुत अच्छी है, जहाँ तक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट और ओम झा जो हैं उनका म्यूज़िक है। जहाँ पे ओम झा का म्यूज़िक आ जाता है तो बहुत अलग हो जाती है। और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इस पिक्चर में सभी लोग। तो बस मैं चाहूँगी जल्दी से पिक्चर कंप्लीट हो और हम लोग को देखने के लिए मिले। तो भी शर्मा जी आपकी दोस्त हैं, अक्षरा जी और दिनेश जी की लगता है जान लेने वाले हैं, दिनेश जी उसके लेने वाले हैं। तो आप बताने के लिए बीच में टपकने वाली हैं? नहीं, मैं एडवांस में आपको हिंट दे रही हूँ। अब जब पिक्चर ये है जान लेबू का, तो अब कौन किसकी जान लेगा वो तो मुझे पता नहीं है फिलहाल, क्योंकि सस्पेंस है कौन किसकी जान पे आएगा या लेगा या व्हाटएवर जो भी कुछ होगा वो पिक्चर को देखने के बाद में पता चलेगा। और जहाँ तक बात अक्षरा जी की, दिनेश जी की, तो दोनों ही नेवर नो कौन किसका जाना तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये बताइए फिल्म के डायरेक्टर केडीजे हैं, बहुत पुराने हैं और सीनियर डायरेक्टर हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहिए उनके बारे में? बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और नॉट अच्छे डायरेक्टर भी और एकदम यंग है। ऐसा तो बोले बहुत सीनियर है बट बहुत यंग है, ऐसे वो पीछे से मुझे आवाज़ आ रही है सुनने में, नो डाउट। तो डेफिनेटली इसलिए तो मैंने बोला कि पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी शूट होगी। जबकि डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, प्रोड्यूसर इतने अच्छे हैं, तो डेफिनेटली पिक्चर तो कुछ धमाल करेगी। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति, कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। और फिनी खाइए, स्वीट्स ज़्यादा मत खाइए बट हाँ थोड़ी सी खाइए, पकोड़े खाइए। आज के दिन तो संक्रांति है, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। आज क्रांति करिए, आज क्रांति मत कीजिए, संक्रांति सिर्फ संक्रांति। हाँ देखो पकोड़े मांगने शुरू हो गए, अब वो भी वो वाले दाल वाले। हाँ मुझे पसंद है। अपकमिंग कोई फिल्में आपकी आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है। एक पिक्चर जो बहुत जल्दी आएगी, सबसे पहले रिलीज़ होगी मेरी पिक्चरों में से, वो है सही है अरब ले लेना। उसमें मैं हूँ, सारी जी हैं, काजल जी हैं। तो ये पिक्चर रिलीज़ होगी बहुत जल्दी, मे बी शायद मार्च में। तो आप अरब गई थी? हाँ अरब गई थी। हाँ मैं अरब ही गई थी, अरब में रह के भी आई हूँ। अरब और अरब नो डाउट वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चलती हैं, वो सब कुछ पिक्चर में है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है और भी बहुत सारी पिक्चर आ रही है। अब 2021 में फर्स्ट मूवी कौन सा होगा जो शूट पे जा रहा है आपका? मे भी शायद श्री जी का पिक्चर ही होगा। वो भी ये वाली पिक्चर हो जाए कंप्लीट, उसके बाद में ये सारी जो कंट्रोवर्सी हीरो आपका जैसे बता रहे जो अरब गिलेना है, कुछ बार और कुछ जानकारी बताएंगे? अरब गिलेना में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जो यहाँ के होते हैं इंडिया के लोग अरब में जाते हैं, फंसते हैं, क्या क्या उनके साथ में उनके ऊपर आप बीती हुई चीज़ें होती हैं, वो इस पिक्चर में कहीं ना कहीं उसका भी अंश है, दर्शाया जाएगा। और जहाँ तक बात है कहानी में लव, रोमांस, एंगल, ट्रायंगल, वो सब कुछ है इस पिक्चर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मिस यू। अब हम लोग की जल्दी पिक्चर आप लोगों के पास में आए, इसलिए बस मैं बहुत खुश हूँ नए साल के लिए। थैंक यू सो मच।